वेलकम बैक टू माय चैनल विजुका पाठशाला। मैं नितिन आज आपको सिचुएशन टेस्ट के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बताना चाह रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तब आपको क्या परफॉर्मेंस देना होता है, जो आपके क्वेश्चन पे आपके मटेरियल पे उस चीज़ पर आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो फर्स्ट आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो कि उस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो। क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, एक एक वर्ड को तोड़ के आपको पढ़ना है कि वो वर्ड बोल के आ रहा है, एक एक चीज, मतलब कि उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हो किसी एक वर्ड को भी लेके तो उस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आपको पहले तो जैसे मैंने बताया आपको 3 से 4, 5, 10 जितना आपको कंफर्टेबल हो जाओ आप क्वेश्चन के साथ में, आप क्वेश्चन को समझ जाएं। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो आपको बंच मिलते हैं उसमें जो मटेरियल्स मिलते हैं उसमें पेपर होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मटेरियल उसके अंदर होता है, उन मटेरियल को आप बाहर निकालना है। जब आप मटेरियल बाहर निकाल के आप अपने डेस्क पे या अपने बेंच पे जो आपको जिस जगह पर आपको बैठाया जाता है उस जगह पर आप प्लेस करते हैं, उस मटेरियल को आप प्लेस करके आप देखें, एक एक मटेरियल को जज करें कि वो मटेरियल क्या आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है। और साथ ही साथ आप उस जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए एक एक मटेरियल का जजमेंट करें कि ये मटेरियल किस चीज़ से रिलेट करेगा। अगर सपोज मानिए आपके पास कैंडल है तो कैंडल किससे रिलेट कर सकता है, स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ से आप पिलर बना सकते हो, पेपर है, कार्डबोर्ड्स हैं, साइनी पेपर्स हैं, तो इस तरह के अलग अलग चीज़ को अलग अलग जगह पर आप रख के आपको जज करना है कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ से जाएगा। उसके बाद आपको सारे मटेरियल को एक जगह एक एक करके क्वेश्चन वाइज, जैसे एक क्वेश्चन आपको मिला है तो उसके टॉपिक वाइज आपने जब जज कर लिया ठीक है तो उस पर आपको प्लेस करना होगा और फिर अपने मॉडल को तैयार करना होता है।